एक औरत की ताकत। एक शहर में सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम मधु था। सुरेश की टेलर की दुकान थी। मधु भी उसका हाथ बटाती थी उसके साथ, जैसे कि बटन टाँकना, प्रेस करना आदि। एक दिन सुरेश ने मधु से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और उसको भी अब सिलाई सीख लेना चाहिए। तो मधु बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी, उसको यहीं उसके पास ही रहना है। तो सुरेश ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे मधु सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ प्रदीप आता है। वो उसको देखकर उसे पसंद कर लेता है और सुरेश से उसका हाथ मांग लेता है। सुरेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कह देता है। दोनों की शादी हो जाती है और मधु अपने ससुराल चली जाती है। कुछ महीने बाद वो गर्भवती होती है और एक बेटी को जन्म देती है और वो बहुत खुश होती है। तभी प्रदीप वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है कि क्या हुआ, यह भी तो हमारी बेटी ही है। वो कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ सुरेश आता है और मधु से सारी बात बताती है। तो वो उसको बोलता है कि मैं प्रदीप को जाकर समझाऊँगा, तू परेशान मत हो। फिर वहाँ प्रदीप के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा से लड़का हो जाएगा, अभी तुम मधु और अपनी बेटी को घर ले आओ। प्रदीप उसकी बात मानकर मधु को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती और अगर मधु किसी काम में लगी होती तब भी वो उसको देखता नहीं। ऐसे ही करते करते वे दिन बीतने लग गए। मधु दोबारा गर्भवती होती है तो प्रदीप उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वह उस वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सुरेश को यह पता चलता है तो वो प्रदीप को समझाने उसके घर जाता है, पर प्रदीप उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाएं यहाँ से, मेरा कोई संबंध नहीं इन लोगों से। यह सुनकर सुरेश वहाँ से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे और उसकी बेटियों को पालूँगा। मधु अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियाँ स्कूल जाने लगती हैं। मधु और उसके पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन सुरेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मधु अकेली रह जाती है। फिर वह अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी लड़की बड़ी बेटी आभा स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी। उसके टीचर एक दिन मधु को बुलाकर कहते हैं कि आभा एक बहुत ही अच्छी धावक है, हमें आपकी परिस्थिति का पता है, फिर भी आप अगर उसका साथ देंगी तो वो बहुत आगे जाएगी। मधु यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो आभा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब आभा को टाइम से देने लगी और जिसका नतीजा यह हुआ, मधु और आभा की मेहनत रंग लाई। आभा ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फ़ोटो अखबार में छपी तो प्रदीप आभा और मधु की फ़ोटो अखबार में देख कर सोचता है कि अगर मैंने मधु को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फ़ोटो इन लोगों के साथ लगी होती, पर अब माफ़ी मांगकर कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज कल लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। जो काम एक लड़का कर सकता है वह काम वो लड़की भी कर सकती है। इसलिए माँ बाप को और हर किसी को लड़का और लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान समझना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।